दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। घर में आज कचौड़ी बना है, कुक मास्टर तस्कीन के किचन में कचौड़ी बना है। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा फरहान क्या बना है, छोले बना है। कचौड़ी और छोले बच्चे बड़ा प्यार से खा रहे हैं। कैसा लग रहा है फरहान साहब? माशाल्लाह बहुत अच्छा। अदनान साहब कैसा? सॉलिड है। मौसम सुहाना है, हमको सिर्फ खाना है। आप भी ट्राई करिए और कमेंट में बताइए कैसा हुआ। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट पा सके या मिले उनको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी फेमस कलकत्ता स्टाइल कचौड़ी रेसिपी और उसके साथ साथ छोले की रेसिपी। दो रेसिपी लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, आप चाहे तो डिनर में भी बना सकते हैं। तो चलिए आज मज़ेदार कचौड़ी और छोला बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रात को हम भिगो कर रख दिए थे चना, वाइट चना है मतलब छोले, इसको धोकर कुकर में ले लेना है। और यहाँ पर हम अनबॉक्सिंग करते हैं ये जो चाय पत्ती, गरम मसाला, इसमें मतलब बिरयानी के इसमें भी डाल सकते हैं, छोले में भी डाल सकते हैं। तो इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्यूट सा है, तो इसको धो कर ले लेना है। ये जाली में हम डालेंगे चाय पत्ती। तो यहाँ पर चाय पत्ती हम 1.5 टीस्पून लिए हैं, यानी 1.5 टीस्पून। और यहाँ पर एक इलायची खोल कर ले लिए हैं और 2 टुकड़ा दालचीनी का ले लिए हैं और 4 से 5 लौंग ले लिए हैं और 1 तेज़पत्ता को इस तरीके से तोड़ के डाल देना है। ज़्यादा गरम मसाला हम नहीं यूज़ करेंगे, बस इतना ही। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। इसको बंद करके छोले के अंदर डाल देना है ताकि यहाँ हमें पुडलिन ना बनाना पड़े। तो यहाँ पर हम 1.5 टीस्पून नमक यूज़ किए हैं, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 पिंच यहाँ पर सोडा डाले हैं, खाने का सोडा, और 1 ग्लास पानी डाले हैं। बस छोले से थोड़ा सा ऊपर पानी होना चाहिए। कवर बंद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गैस ऑन करके हमें रख देना है छोला बॉयल होने के लिए। 2 से 3 सीटी लगा लेना है। यहाँ पर उड़द दाल भी हम रात को 1 कप भिगो कर रख दिए थे, उसको धोकर ग्राइंडर के जार में ले लेंगे कचौड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर दही यूज़ करना है 1 कप, मेरे पास थोड़ा सा कम था, 1/2 कप था, तो और 1/2 कप पानी डाले हैं। बस इतना ही पानी डालना है, या फिर सिर्फ दही भी डाल सकते हैं आपके पास 1 कप है तो। तो इसको ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से, तो बहुत मीन पीसना नहीं है, दरदरा सा पेस्ट बनाना है। यहाँ पर सूजी 2 कप डालेंगे, परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 1 कप हम आटा लिए हैं, 1 कप मैदा लिए हैं, और यहाँ पर 1 चम्मच हम काला जीरा लिए हैं, 1 चम्मच हम अजवाइन लिए हैं, 1 चम्मच हम नमक 1/2 टीस्पून लिए हैं मतलब कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून लिए हैं, घी यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिए हैं, आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। सभी को इस तरीके से मिक्स कर लेना है, पानी की और बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उड़द दाल के मिक्सर में हमें यहाँ पर आटा गूँथ कर थोड़ा सा सख्त आटा लगा कर रख देना है ढक करके इस तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हैं छोला बॉयल हो चुका है, कलर भी माशाल्लाह ब्लैक हो चुका है। और यहाँ पर इसको छान लेंगे, इसका जाली निकाल देंगे जो गरम मसाले का। तो यहाँ पर छोले को छान कर हमें साइड में रख देना है, पानी का भी हम बाद में यूज़ करेंगे, आगे ग्रेवी में हम बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर एक पैन गरम करके सरसों तेल डाल देना है 1/2 कप, जीरा थोड़ा सा फुटन, कड़ी पत्ता, लाल मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून डाली हूँ, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, नमक बहुत ही कम 1/2 टीस्पून डालकर इसको मिक्स कर लेना है।
एक मिनट भून लेने के बाद यहाँ पर टमाटर एक और प्याज एक, हरी मिर्ची दो, इसको पेस्ट बना ली हूँ इस तरीके से। इसको भी डाल देना है और उसको भून लेना है 2 से 3 मिनट। और यहाँ पर हम इप्पी मसाला 1 पैकेट डाले हैं, आप चाहें तो छोले मसाले भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। कसूरी मेथी 1 टीस्पून डालकर इसको मिक्स कर ली हूँ। मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद यहाँ पर छोले थोड़ा सा डालना है 2 टेबल स्पून और उसको अच्छे से मैश कर देना है। इसी से अच्छा ग्रेवी अच्छा आएगा, गाढ़ा बनेगा। तो इसको मैश कर लेने के बाद, भून लेने के बाद, और बाकी का छोला डाल देना है इसके अंदर। देख सकते हैं छोला भी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जो पानी बचा कर रखे थे वो सभी पानी को डाल देना है। यहाँ पर मिक्स कर लेना है, ढककर बॉईल होने के लिए देना है 2 मिनट। यहाँ पर देख सकते हैं बॉईल आ चुका है, ये छोला रेडी है। इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निशिंग करेंगे, आप चाहें तो अदरक भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। हमारे बच्चों को पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं डाली हूँ। इस तरीके से लोई को बेल लेना है छोटा छोटा, मतलब अब पानी पूरी के जैसा। इसको गरम तेल में फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी खा के जा रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, इस तरीके से देख सकते हैं। और भी हम फ्राई कर लिए हैं, थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए इसको लो टू मीडियम में फ्राई कीजिएगा, हाई में फ्राई नहीं करना है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आइए देखते हैं सुबह सुबह घर में क्या बना है। ये कचौड़ी बना है और उसके साथ ये कचौड़ी जो है वो कलकत्ता का कचौड़ी फेमस है, तो ये कलकत्ता स्टाइल का कचौड़ी है। और उसके साथ में ये छोले बना है, आइए देखते हैं इसको, इसको रेडी करते हैं। खाने के लिए बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। कलकत्ता का कचौड़ी और पंजाब स्टाइल का जो है वो छोले है, काफी लाजवाब टेस्टी है। और जब बनाएंगे, जब आने के बाद में आपको सच में बहुत ही टेस्टी है, घर में ट्राई कीजिए, बनाइए, खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, दोस्त यार रिश्तेदार को बनाइए और खिलाइए, खुद स्वस्थ रहिए और हेल्दी फूड खाइए। यहाँ पर इस तरीके से छोले डाल देना है, या फिर आलू का भी सब्जी बनाकर इस तरीके से डाल सकते हैं। प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची और सेव यहाँ पर डाल सकते हैं और इस तरीके से प्यार से अपने हस्बैंड को खिला सकते हैं। हम खिला रहे हैं अपने हस्बैंड को। इस तरीके से बनाइए, बहुत मज़ेदार टेस्टी, लंच में भी खा सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में हम बनाए थे, तो आप ब्रेकफास्ट या जब भी मन करे रात में डिनर में भी बना सकते हैं। इस तरीके से बेल लेना है, छोटा छोटा लोई बनाना है और इस तरीके से हम चावल का आटा लगाकर इसको बेल रहे हैं, इतना ही पतला रखना है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसको डाल देना है, जैसे ही फूल जाए इसका गैस का फ्लेम लो करके इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करके फ्राई कर लेना है। ऊपर से तेल थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालकर इसको उलटते पलटते पानी पूरी के जैसा फुला लेना है और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। इस तरीके से रेडी है, देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बनती है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। इस तरीके से देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है, इसका आवाज़ भी सुन सकते होंगे। बच्चों को देते हैं, बच्चे स्कूल से आ गए हैं,
मतलब करी और राइस बनाई हो, लेकिन सब ये कचौड़ी और छोले एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, घर में आज कचौड़ी बना है। कुक मास्टर तस्कीन के किचन में कचौड़ी बना है। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा फरहान क्या बना है, कचौड़ी के साथ छोले बना है। कचौड़ी और छोले बच्चे बड़ा प्यार से खा रहे हैं। इसका साइज थोड़ा बड़ा है लेकिन दिख रहा है छोटा। कैसा लग रहा है फरहान साहब? अदनान साहब कैसा लग रहा है? सॉलिड है। मौसम सुहाना है, हमको सिर्फ खाना है। क्या बोलना है, क्या बोलना चाहिए? आप भी ट्राई करिए और कमेंट में बताइए कैसा हुआ। आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। आप इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए कैसा लगा। हाँ, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट पा सके या मिले उनको। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अदनान साहब, फरहान साहब।